हेलो एवरीबॉडी इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द परसेंटेज एंड डिस्काउंट अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो में हम फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज पे बात करेंगे और सेकेंड टॉपिक डिस्काउंट पे बात करेंगे अब परसेंटेज निकालने के लिए कुछ रूल हैं तो रूल नंबर वन की बात करते हैं इफ ए नंबर इंक्रीज बाय एक्स परसेंट एंड देन फर्दर इंक्रीज बाय वाई परसेंट देन नेट परसेंटेज चेंज इन द नंबर इज गिवन बाय एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड परसेंट नंबर वन यह बताता है अगर कोई नंबर है उसमें x परसेंट की वृद्धि पहली बार होती है बाद में उसमें y परसेंट की वृद्धि होती है तो नंबर में टोटल कितना परसेंट का चेंज हुआ यानी बदलाव हुआ उसको हम इस दिए हुए फार्मूले से फाइंड करेंगे अब हम रूल नंबर टू को पढ़ेंगे इफ ए नंबर इज डिक्रीज बाई एक्स परसेंट एंड देन फर्दर डिक्रीज बाई वाई परसेंट नेट परसेंटेज चेंज इन द नंबर गिवन बाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड परसेंट देखिए किसी संख्या में पहली बार एक्स परसेंट की कमी होती है बाद में यह कमी वाई परसेंट की हो जाती है तो संख्या में टोटल कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है यह हम दिए हुए फॉर्मूले से निकालेंगे अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन इफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर चेंज बाय ट्वेंटी परसेंट एंड माइनस टेन परसेंट रिस्पेक्टिवली दे वट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रीथ में ट्वेंटी परसेंट और माइनस टेन परसेंट का चेंज हो रहा है तो टोटल एरिया में कितना चेंज हुआ है यही हमको फाइंड करना है अब हम इसको सॉल्व कर, करेंगे लेंथ इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एंड ब्रेथ डिक्रीज बाई माइनस टेन परसेंट लेंथ को हमने एक्स ले लिया और ब्रेथ को हमने वाई ले लिया अब नेट चेंज विल बी एरिया कितना चेंज हुआ होगा एरिया में प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई अपॉन हंड्रेड अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं एक्स की जगह पर ट्वेंटी लिख लेंगे वाई की जगह पर माइनस टेन लिख लेंगे प्लस ट्वेंटी इंटू माइनस टेन अपॉन हंड्रेड अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्लस ट्वेंटी माइनस टेन इजकल टू टेन प्लस ट्वेंटी इंटू माइनस टेन इज इक्ल टू टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड अब टेन 10 प्लस हंड्रेड से टू हंड्रेड में अगर हम डिवाइड देंगे तो हमको क्या मिलेगा टू माइनस टू अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा टेन माइनस टू इजिकल टू टेन में से जब माइनस टू घटेगा तो हमको भी मिलेगा एट यानी एट परसेंटेज का यहाँ पे टोटल चेंज हुआ हमारे एरिया में तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी एरिया इज इक्वल टू एट परसेंट आई होप आपको ये समझ में आया होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड इफ ए पर्सन सैलरी इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट एंड देन डिक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट वट विल वट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन सैलरी यानी एक व्यक्ति है उसकी सैलरी में ट्वेंटी परसेंट का क्या हुआ पहले वृद्धि हुई बाद में उसकी सैलरी क्या हो गई ट्वेंटी परसेंट घट गई वर्ट विल वर्ट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द सैलरी उसके सैलरी में कितना चेंज हुआ हमको यह हो गया करना है यहाँ पे फाइंड करना है अब हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स की जगह पे हम एक बार ट्वेंटी लिख लेते हैं यानी अपनी सैलरी में ट्वेंटी परसेंट की वृद्धि हुई थी तो ट्वेंटी वाई की जगह पे अपनी सैलरी में कितनी कमी आ गई थी माइनस ट्वेंटी ठीक है आप प्लस का साइन लगेंगे एक बार कितने की वृद्धि हुई ट्वेंटी की और दूसरी बार कितने की कमी होगी गई माइनस ट्वेंटी अपॉन हंड्रेड अब इसको हम सॉल्व करेंगे अब ट्वेंटी में से अगर ट्वेंटी घटेगा तो जीरो आ जाएगा प्लस ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी यानी फोर हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड डबल जीरो डबल जीरो कटेगा जीरो में माइनस फोर ऐड होगा तो तो हमको मिलेगा माइनस फोर यानी सैलरी में माइनस चार परसेंट का क्या होगी कमी आ गई हमारी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड ए ट्रेडर मार्क अप द प्राइस ऑफ हिज गुड बाय ट्वेंटी परसेंट बट ए पर्टिकुलरली हैंडलिंग कस्टमर एंड अप गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट ऑन द मार्क प्राइज वट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक्स एक क्वेश्चन में हमसे यह कहा जा रहा है कि ट्रेडर है जो क्या करता है मार्क प्राइस को क्या करता है ट्वेंटी परसेंट बढ़ा देता है किसी सामान पे जो मार्क प्राइस है उसको इसने ट्वेंटी परसेंट बढ़ा दिया लेकिन जो उसके साथ कस्टमर के साथ जब हैंडल करता है वो क्या करता है मार्क प्राइस से टेन परसेंट का डिस्काउंट देता है जो अपनी उसने मार्क प्राइस करी थी उससे उस पर उसने क्या दे दिया टेन परसेंट का डिस्काउंट अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट ही मेक उसको कितना प्रॉफिट हुआ अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो ट्रेडर है यानी दुकानदार उसने जो मार्क प्राइस को कितना परसेंट बढ़ाया ट्वेंटी परसेंट यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया अपना ट्वेंटी परसेंट इसने क्या कर दिया बढ़ा दिया अब मार्क प्राइस को बाद में इसने वाई इजिकल टू माइनस टेन परसेंट कर दिया यानी उसने टेन परसेंट का डिस्काउंट दिया यानी जो परसेंटेज था उस पर कितने का डिस्काउंट दे दिया माइनस टेन परसेंट का अब हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिल चुकी है अब हम नेट प्रॉफिट लिखाने के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे एक्स इजिकल टू ट्वेंटी वाई इजिकल टू माइनस टेन प्लस एक्स इजिकल टू ट्वेंटी वाई टू माइनस टेन अपॉन हंड्रेड इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी में से टेन घटेगा हमको मिलेगा टेन ट्वेंटी से अगर टेन को इंटू करेंगे तो माइनस टू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड हंड्रेड से टू हंड्रेड कटेगा अपना टू टाइम यानी टेन माइनस टू नेट प्रॉफिट हो गया अपने को एट परसेंट आई होप आपको समझ में आया होगा हमने एक्स और वाई की वैल्यू जो स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला आपको बताया था उसमें रखी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्काउंट सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल आर एक्स परसेंट एंड वाई परसेंट रिस्पेक्टिवली देन ए सिंगल डिस्काउंट इज इक्वेल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड परसेंट देखिए डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में हमसे यह बोला जा रहा है अगर आपको किसी आर्टिकल पे लगातार डिस्काउंट मिले तो आपको एक सिंगल डिस्काउंट कितना मिल रहा है यही हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट फिफ्टी परसेंट एंड फोर्टी परसेंट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि सिंगल डिस्काउंट फाइंड करो किसी आर्टिकल पे जिस पे आपको लगातार दो बार डिस्काउंट मिल रहा है फर्स्ट बार डिस्काउंट मिला आपको फिफ्टी परसेंट एंड सेकेंड बार मिला आपको फोर्टी परसेंट हम जानते हैं सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन हंड्रेड एक्स की जगह पर हम फिफ्टी रख लेंगे वाई की जगह पे फोर्टी रख लेंगे अब इस क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व करेंगे फिफ्टी प्लस फोर्टी इज इक्वल टू नाइनटी फिफ्टी इंटू फोर्टी यानी माइनस फिफ्टी इंटू फोर्टी हो जाएगा अपना माइनस टू थाउजेंड दो जीरो से दो जीरो कट गए बचेगा अपना नाइन्टी माइनस ट्वेंटी यानि सेवेंटी परसेंट का उसको एक सिंगल डिस्काउंट हुआ अगर उसे दो बार डिस्काउंट मिलता है एक बार फिफ्टी परसेंट मिला दूसरी बार फोर्टी परसेंट मिला क्वेश्चन नंबर टू देखिए फाइंड द सिंगल डिस्काउंट विच इज़ इक्वेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट थर्टी परसेंट एंड फिफ्टी परसेंट यहाँ पर भी हमें सिंगल डिस्काउंट फाइंड फाइंड करना है और एक्स की जगह पर हम थर्टी रखेंगे y की जगह पे हम रखेंगे 50 माइनस हो जाएगा अपना x की जगह पे फिर से 30 y की जगह पे आ जाएगा अपना 50 अपॉन 100 30 प्लस फिफ्टी इज इक्वल टू एटी थर्टी से अगर हम 50 को इंटू करेंगे माइनस आएगा अपना अच्छा पंद्रह पंद्रह सौ वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अपॉन हंड्रेड हंड्रेड डबल जीरो से डबल ज़ीरो घटेगा 80 में से अपना पंद्रह माइनस हो जाएगा तो अपने को मिलेगा सिक्सटी फाइव यानि टोटल परसेंटेज उसको कितना प्रॉफिट हुआ है सिंगल सिक्सटी परसेंट का उसको प्रॉफिट हो गया सिंगल डिस्काउंट आई होप आपके समझ में आया होगा अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो जरूर इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो